फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आर यूट्यूब प्लेटफॉर्म वीके लर्निंग हब। होप यू आर डूइंग वेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक जॉब अपडेट निकल कर सामने आई है दोस्तों आप सभी के लिए, UPRVNL JEE के लिए एंड फार्मासिस्ट के लिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है या फार्मासिस्ट में है तो आपके लिए यहाँ पर ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि रेगुलर वीडियोज़ एंड अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही दोस्तों अदर यूजफुल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्लेलिस्ट बनी हुई है, शायद आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो सके तो वहाँ से आप वीडियो पिक कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए मंथली करंट अफेयर एंड रेगुलर गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं, उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, प्रेस द बेल आइकन आल्सो। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप UPRVNL की हम ऑफिशियल जो है वेबसाइट पर यहाँ पर आ चुके हैं। एंड जैसे ही आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हैं इसके पास आपको मिलता है जो अभी हाल ही में 20/8/2022 को यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है जारी हुआ है रिगार्डिंग इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग। इसमें सिविल एंड फार्मासिस्ट जो है दोस्तों यहाँ पर वैकेंसीज निकल कर सामने आई है। तो चलिए इसे डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया गया है। तो ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है खुलकर सामने आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं UPRVNL की तरफ से ये नोटिस जारी किया है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बताया गया है। ये दोस्तों विद्युत उत्पादन निगम में आपका जो है यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल और फार्मासिस्ट की जो वैकेंसीज आई हैं, यहाँ पर पोस्ट कोड आपको दिया गया है। हिंदी में ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसे आप जरूर से ध्यान से देख लीजिएगा। नंबर ऑफ यहाँ पर वैकेंसीज की बात करें तो अनरिजर्व की सिविल में अगर हम बात करें JEE की 9 वैकेंसी है दोस्तों, एंड इसके साथ ही EWS में 2 हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है लगभग काफ़ी कम देखने को मिली है, क्योंकि फार्मासिस्ट की अगर हम देखें तो मात्र यहाँ पर OBC में 2 हैं और एक जो है EWS की है, बाकी एक जो है SC में है। एंड जूनियर इंजीनियर की आपने यहाँ पर देख ली होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट आपको यहाँ पर सैलरी के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, जो JEE की सैलरी है वो काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर लेवल 7 पर होती है, जिसमें बेसिक आपका 44,900 रहता है। एंड यहीं अगर हम बात करें फार्मासिस्ट की तो लेवल 5 यहाँ पर 29,800 आपका जो है बेसिक पे रहने वाला है। इसके साथ ही एज के बारे में यहाँ पर क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है, तो एज की अगर हम बात करें 1/7/2022 के अकॉर्डिंग आपकी एज काउंट होगी 18 साल से 40 वर्ष तक, आप यहाँ पर इनमें दोनों में ही अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर ध्यान देंगे। आयु में जो छूट होती है दोस्तों वो आपको नॉर्मली आप सभी को पता है SC ST एंड OBC के अकॉर्डिंग जो होती है वो यहाँ पर दी गई है, उस चीज़ को आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा JEE के लिए दोस्तों डिप्लोमा काफ़ी अनिवार्य है। तो ऑब्वियसली सिविल यहाँ पर JEE के लिए आपके लिए डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का दोस्तों, या फिर आपके पास 3 साल के अदरवाइज आप यहाँ पर इन चीज़ों को रीड कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है 3 साल का आपके पास पूरा जो है वो प्रॉपर डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इसमें जो है एलिजिबल होंगे। साथ ही आपको देवनागरी में यहाँ पर हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है ऊपर ही फर्स्ट लाइन में। एंड फार्मासिस्ट की भी सेम है दोस्तों, इसमें आपको फार्मासिस्ट का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, वो भी उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल से जो है पंजीकृत, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एंड इसके साथ ही अब हम बात करें तो आरक्षण के बारे में कुछ दे रखा है, उसके बारे में आप रीड कर सकते हैं। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट आती है यहाँ की फीस, क्योंकि आपकी वैकेंसीज काफ़ी कम है एंड उसके अकॉर्डिंग ही आप देखकर दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इस चीज़ का जरूर से ध्यान रखेंगे, जो आपके यहाँ पर फीस रहती है दोस्तों वो काफ़ी हाई रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो JEE की अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 1180 रुपये यहाँ पर आपको फीस देखने को मिलेगी, बाकी आप अपनी कैटेगरी के वाइज दोस्तों देख सकते हैं 826 लगेगी। एंड अगर आप दिव्यांग जन में आते हैं तो 12 रुपये लगेंगे, तो इन सभी को आप नोट कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप अपना चयन करें। एंड आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो है दोस्तों आपका जो एग्जाम होगा दोस्तों उसमें क्या आपका पैटर्न रहने वाला है। आप सभी को बताऊंगा अगर आप JEE कैंडिडेट हैं दोस्तों तो UP में जो एग्जाम होता है UPPCL हो या फिर UPRVNL, यहाँ पर एग्जाम पैटर्न सेम आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट पार्ट में आपको 150 क्वेश्चन जो है सिविल इंजीनियरिंग को देखने को मिलेंगे, साथ ही 1/4 की आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, 150 क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग के होंगे। इसके साथ ही दोस्तों आपके जो 50 क्वेश्चन होंगे उसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और यहाँ पर रीजनिंग आपको देखने को मिलती है, जिसमें भी आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। CBT होता है, साथ ही ये दोस्तों 3 घंटे की जो है आपकी परीक्षा रहने वाली है। इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। एंड मेरिट लिस्ट पर आपका सेक्शन होता है, एक ही आपका एग्जाम होता है, इसके बाद आपको जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, ये सभी आपका जो है कैसे सिलेक्शन होगा उसके बारे में बताया गया है। तो पूरा पैटर्न है। और अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो आप सभी को पता है आजकल UPPCL और UPRVNL ये दोस्तों आपको पूरा डिप्लोमा का जो प्रॉपर सिलेबस है, प्रॉपर जो बुक्स आपकी लगी होंगी वो सभी आता है इसमें। तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उन सभी से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर फार्मासिस्ट के बारे में बता रखा है कि उसका एग्जाम पैटर्न जो होगा दोस्तों यहाँ पर सेम है, 3 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन आपको अपने डिप्लोमा के जो फार्मासिस्ट स्ट्रीम से डिप्लोमा हुआ है दोस्तों उसके मिलेंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेंगे, 50 क्वेश्चन में वही हिंदी, GK एंड रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा
एबिलिटी है आपका एंड 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 3 घंटे हैं, इन चीज़ों को आप जरूर से ध्यान में रख लेना। बाकी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, हिंदी में पूरा नोटिफिकेशन है, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हों, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उन चीज़ों को भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। एंड उसके साथ ही परीक्षा के स्थान पर हम एक बार चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ दोस्तों आपको, यहाँ पर जो है लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, इन सभी जो सिटीज़ हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। तो ये आपका एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में डिटेल है। साथ ही इसके बाद बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो ये जो है दोस्तों आपका नोटिस अभी जारी हुआ है हाल ही में, आज में ही, तो इसका ओब्वियसली जो इसका अभी अप्लाई लिंक है वो अभी नहीं शुरू हुआ है, वो कब से होगा उसको एक देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर इन्होंने देखा है कि हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इन सभी जो है इंस्ट्रक्शंस पर जाएंगे। सीधी बात, आपको यू पी आर एनल जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा वहाँ जाना है, वहाँ से लॉगिन एंड रजिस्टर कर लेना है न्यू रजिस्ट्रेशन पर, एंड उसके बाद आप लॉगिन पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ में आप यहाँ पर जो फोटोज़ वगैरह होंगी आपकी, उनका साइज़ यहाँ पर देख सकते हैं, क्या आपको साइज़ लगेगा एंड किस तरह से आपको जो है अपलोड करनी है, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो कुछ इंस्ट्रक्शन हैं जिनको आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ इंपॉर्टेंट आती है उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपकी स्क्रीन पर हैं, इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों जो ये एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है, ये आपका 29/8/2022 से होगा और इसका जो अंतिम तिथि है वो है 19/9/2022। इसको जरूर से ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन डेट्स को याद रखेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही आप अपना चयन करेंगे एंड अपना फॉर्म जो है फिल करेंगे। यहाँ पर एग्ज़ाम डेट भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी, उस तक भी हम आपको जरूर से बता देंगे। तो यही एक छोटा सा जो है नोटिस था यू पी आर एनल की तरफ से सिविल वालों के लिए, जेई के लिए एंड फार्मासिस्ट डिप्लोमा के लिए, काफ़ी अच्छी एक खबर है। अगर देखा जाए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग आपका जो है एग्जाम चेक होगा एंड आपके मार्क्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको एक बार फिर से देख लीजिएगा। एंड ये पूरा ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन था जिसको आज हमने चर्चा की। ये वीडियो कैसी लगी जरूर से बताएं, एंड साथ ही दोस्तों अगर आपके लिए रेलेवेंट है ये ना भी हो तो भी इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में, ताकि जो भी रेलेवेंट हैं, जो भी इसके लिए पोस्ट में एलिजिबल हैं दोस्तों, वो अप्लाई कर सकें एंड उन तक ये वीडियो पहुँच सके। तो इस वीडियो को शेयर करें एंड साथ ही अदर यूजफुल कंटेंट के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, थोड़ा सा हेल्प करें इस चैनल को आगे ग्रो करने में। एंड बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।